हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपडेटेड यामा R3 के बारे में, जिसके अंदर हमें रीमैप एंजिन, न्यूकुलर टीफ्टी डिस्प्ले एंड और भी हमें काफी सारे न्यूली एडिट फीचर्स जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड जो है यामा की हमें R3 देखने को मिलेगी, जो कि हमें हेवीली अपडेटेड डिजाइन के साथ जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि इसके अंदर हमें जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, जो कि हमें सेम यानी कि 321cc का हमें पैरेलल ट्विन इंजन ऑप्शन, जिसके अंदर हमें 41.42 bhp का पावर एंड 29.5 nm का हमें टॉर्क देखने को मिलेगा। साथ ही में हमें 6-speed गियरबॉक्स एंड स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए फ्रेंड्स के और भी फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें ट्विन हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें LED DRL एंड साथ ही में हमें रिवाइज यानी कि हमें और भी ज़्यादा हमें शार्पर विंगलेट्स भी जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमें एरोडायनामिक एफिशिएंसी के साथ। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें जो बाइक के सीट की वीड थे वो भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें जो TFT डिस्प्ले है, जो कि हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एंड साथ ही में हमें हार्डवेयर सेटअप में 37mm के हमें KYB के हमें USD फ्रॉक्स, जो कि हमें फ्रंट में एंड रियर में हमें एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड ब्रेकिंग के अंदर हमें सेम यानी कि हमें 298mm की हमें फ्रंट में हमें डिस्प्ले सेटअप एंड रियर में हमें 280mm की हमें डिस्प्ले सेटअप जो है हमें देखने को मिलेगी। तो एंड फिलहाल जो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।